सब्सक्राइब करें होममेड क्राफ्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर्स बेबी के लिए फ्रॉक बनाना बताऊंगी, कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2 कलर्स की ऊन ली है और ये देखिए 7 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये ग्रीन कलर लेती हूँ। ग्रीन कलर लेने के बाद मैं इसमें 60 चेन डालूंगी मैं इसमें फ्रॉक में। देखिए, इस तरह से चेन बनाते हैं। देखिए, पूरी चेन इसी तरह से ही बनानी है, 60 चेन। देखिए, ये मैंने 60 चेन बना ली है, 60 चेन 60 चेन। अब मैं इसमें 3 चेन एक्स्ट्रा लूंगी, 1 2 3। 3 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद ऊपर से मैं 1 2 3 और 4 4 को छोड़कर 5th में डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए, इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। देखिए, मैं फ्रॉक का बैग बना रही हूँ। बैग इसमें मैं 9 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, मैंने इसमें ये 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए, इस तरह से ये आए हैं डबल क्रोशिया। अब मैं इसमें जाली डालूंगी, वे स्टिच। देखिए, सबसे पहले मैं ये 1 की चेन लेती हूँ और 1 की चेन लेने के बाद अगले में डबल क्रोशिया डालती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है। अब मैं स्लीव्स में 12 डबल क्रोशिया डालूंगी, 12 डबल क्रोशिया, 2 3। देखिए, अब मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं स्लीव्स में। देखिए, इस तरह से ही डाले हैं ये डबल क्रोशिया। अब मैं फिर 1 की चेन लूंगी और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी अगली चेन में। देखिए, इस तरह से अब ये मैं फ्रंट में 18 डबल क्रोशिया डालूंगी, 18। इसी तरह से ही ये डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए, ये मैंने टेबल बनाई है 1 ईयर बेबी फ्रॉक के लिए। किस तरह से ये बनाई है मैंने। बैक में मैंने 9 डबल क्रोशिया डाले हैं, फिर स्लीव में 12 और फिर फ्रंट में 18 और फिर स्लीव्स में 12 और फिर बैक में 9। इस तरह से पहले 9 डालेंगे, फिर 12, फिर 18, फिर 12 और फिर 9। इस तरह से मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है और ये टोटल हो गए हैं 60 फंदे हो गए हैं ये टोटल। इस तरह से मैंने ये बनाया है। फ्रॉक को इसी तरह से बनाना है। देखिए, मैंने 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और फिर मैंने 12 भी डाल दिए हैं स्लीव्स में। अब फ्रंट में मैं 18 डबल क्रोशिया डालूंगी, 18 डबल क्रोशिया। देखिए, अब मैंने ये 18 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 18। अब मैं 1 की चेन लूंगी और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से ये
जाली पड़ गई है वी स्टिच। अब मैं स्लीव्स में 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए 12 डबल क्रोशिया भी इसी तरह से डालनी है जैसे मैंने ये पीछे डाली है डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से इसको बनाना है। देखिए मैंने स्लीव्स में अब ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 12 डबल क्रोशिया। अब मैं बैक में 9 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए मैं यहाँ पर जाली बनाऊंगी, मैंने ये 1 की चैन ले ली है और 1 की चैन लेने के बाद अगले में डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है। अभी यहाँ पर जाली बन गई है वी स्टिच, यहीं से ही फंदे बढ़ेंगे, डबल क्रोशिया बढ़ेंगी। डबल क्रोशिया डालूंगी। ये मैंने ये 9 डबल क्रोशिया अब डाल दिए हैं। अब ये पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरह से आ गई है ये पहली लाइन फर्स्ट रो। अब मैं ये दूसरी लाइन बनाऊंगी सेकंड रो। देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ ये डबल क्रोशिया। सबसे पहले मैं ये 3 की चेन लूंगी, 3 की चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया डालूंगी मैं। इस तरह से ही बुनना है डबल क्रोशिया को। देखिए मैंने डबल क्रोशिया अब डाल दिए हैं। देखिए ये जाली आ गई है वी स्टिच। अब इसमें मैं ये डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी, यही सही डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। देखिए मैं डबल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है और फिर अब मैं 1 की चेन लूंगी और फिर डबल क्रोशिया डालना है। देखिए मैंने इसमें वी स्टिच में जाली में 2 डबल क्रोशिया को बढ़ा दिया है। अब इसी तरह से ही ये चारों जाली में, ये मैंने 4 जाली डाली हैं 4, इनमें डबल क्रोशिया बढ़ने हैं। हर लाइन में ये डबल क्रोशिया बढ़ानी है। देखिए अब फिर मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी। डबल क्रोशिया इसी तरह से ही बुनने हैं। देखिए अब मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं जाली डालूंगी सेकेंड में। फर्स्ट में मैंने 2 डबल क्रोशिया बढ़ा दिए हैं, अब मैं ये सेकेंड में भी डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी सेकेंड जाली में। देखिए इस तरह से ही डबल क्रोशिया बढ़ाना है जैसे मैंने ये पीछे पहली जाली में डबल क्रोशिया बढ़ाए थे। देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बढ़ा दिए हैं। अब फिर इस तरह से ही डबल क्रोशिया को बुनना है और फिर जाली में डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। इसी तरह से ही ये आगे को बढ़ता चला जाएगा जाली में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद। देखिए मैंने ये इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इसी तरह से ही बनाया है मैंने। देखिए इसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं और इसमें भी इसी तरह से ही बढ़ाते हुए मैंने इतना बड़ा ये बना लिया है। इसी तरह से ये बुना है मैंने। यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशिया ही डाले हैं जाली के अंदर वी स्टिच के अंदर। देखिए यहाँ पर भी और इधर भी, इधर भी और इधर। देखिए अब मैंने ये चोली इतनी बना ली है। अब मैं चोली आगे को नहीं बढ़ाऊंगी। अब मैं इसकी चौड़ाई नापती हूँ कितनी हो गई है। इसकी चौड़ाई हो गई है 23 सेंटीमीटर और इसकी मोड़े की लंबाई हो गई है
12 सेंटीमीटर, देखिए 12 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। देखिए अब मैं ये स्लीव्स जोड़ती हूँ इस तरह से, चेन बनाई मैंने। थ्री की चेन बनाने के बाद फिर डबल क्रोशिया डालूंगी, देखिए इस तरह से। डबल क्रोशिया यहां तक बुनने हैं, उसके बाद मैं स्लीव्स जोड़ूंगी। देखिए अब मैंने ये डबल क्रोशिया बुन लिए हैं, अब मैं स्लीव्स जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से जोड़ना है दोनों को मिलाकर, और सिंगल क्रोशिया लेते हुए जोड़ना है। देखिए इस तरह से लेकर दोनों को मिलाया और सिंगल क्रोशिया से बुन दिया है, लेकर सिंगल क्रोशिया लेकर बुन दिया। इस तरह से ये स्लीव्स आ गई है, देखिए जुड़ गई है स्लीव्स। मैं फिर अगले में डबल क्रोशिया बुनूंगी, इस तरह से ही डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए मैं यहां तक डबल क्रोशिया बुनूंगी, देखिए मैंने ये इतना बुन लिया है, डबल क्रोशिया बुन ली है। अब मैं ये दूसरी स्लीव्स जोड़ती हूँ, जैसे मैंने पहली स्लीव्स जोड़ी थी वैसी मैं ये दूसरी स्लीव्स जोड़ूंगी। देखिए दोनों को आपस में मिलाकर इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया लेते हुए जोड़ना है। देखिए बी स्टिच में डालना है, और इस तरह से दूसरे में बी स्टिच में डालना है, और सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। देखिए मैंने ये स्लीव्स जोड़ दी है, देखिए इस तरह से आ गई है स्लीव्स। अब मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना है, और यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए अब मैंने ये डबल क्रोशिया बुन ली है, देखिए दोनों स्लीव्स इस तरह से आ गई हैं। देखिए ये बैक जोड़ूंगी इधर से पीछे से, देखिए इस तरह से। ये जो मैंने थ्री की चेन बनाई थी इसे भी डाल के इसको जोड़ना है इस तरह से। देखिए मैंने इसको ये बैक को जोड़ दिया है, अब मैं थ्री की चेन बनाऊंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनना है, डबल क्रोशिया को मैं पूरी लाइन में बुनूंगी, बैक से भी और फ्रंट से भी, यहां से भी। देखिए अब मैंने ये लाइन कब कंप्लीट कर ली है, अब मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए ये जो मैंने थ्री की चेन बनाई थी इसमें ही डाल के इसको जोड़ना है। देखिए मैंने इसको अब जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद अब मैं फिर थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से ही ये पूरी लाइन बुननी है। देखिए अब मैंने ये दूसरी लाइन भी अब बुन ली है,
अब मैं ये बंद करती हूँ। ये जो मैंने 3 की चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको बंद करना है। देखिए मैंने इसको अब जोड़ दिया है। अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी येलो कलर से। देखिए अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी येलो कलर से। सबसे पहले मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद अगले में डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ये डिजाइन डाल रही हूँ। फिर मैं 2 डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में डालना है ये डबल क्रोशिया को, 4 डबल क्रोशिया को, फिर 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ये इसमें डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। देखिए अगले में फिर मैं ये 1 डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर अगले में 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ये डिजाइन इसमें डाल रही हूँ। फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए 2 के बाद मैं ये 1 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। फिर 4 डबल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन में ऐसे ही डिजाइन पड़ेगा। 2 के बाद 1 डबल क्रोशिया पड़ेगा ये। देखिए अब मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से ये आई है ये। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ। देखिए ये जो मैंने 3 की चेन बनाई थी इसमें ही डाल के इसको जोड़ना है। देखिए मैंने इसको जोड़ दिया है। अब फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी और फिर इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अगले में भी इस तरह से डालूंगी। देखिए अब मैं ये डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से के पीछे को लेकर इस तरह से आगे को करके लेना है इसको डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया आ जाएगी और ये डिजाइन इस
तरह से बनता हुआ आएगा। अब मैं ये देखिए, मैं फोर लाइन ऐसी ही बनाऊंगी। फोर लाइन के बाद मैं इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। देखिए मैंने ये फोर लाइन अब बना ली है। देखिए फोर लाइन में ही फोर डबल क्रोशिया डाले हैं। अब मैं डबल क्रोशिया बढ़ाऊंगी आगे को। देखिए अब मैं जोड़ती हूँ इसको, फिर मैं थ्री की चेन बनाऊंगी और अब इसमें मैं सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। पहले मैंने फोर लाइन में फोर डबल क्रोशिया डाले थे, अब फोर लाइन में मैं सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से थ्री डबल क्रोशिया, फिर थ्री की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने डबल क्रोशिया को बढ़ा दिया है, फिर अगले में भी सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। थ्री डबल क्रोशिया, फिर थ्री की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया। इस तरह से ही बनाना है इसको। थ्री डबल क्रोशिया, फिर थ्री की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। इस तरह से ही फोर लाइन बनानी है। फिर फोर लाइन बनाने के बाद सिक्स की फिर फोर लाइन बनाऊंगी, तब मैं इसमें एट डबल क्रोशिया डालूंगी। इसी तरह से ही डबल क्रोशिया को आगे बढ़ाना है फोर लाइन के बाद। ये फ्रॉक इस तरह से बनती आएगी। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने अभी इतना फ्रॉक नीचे से बना लिया है। देखिए इसमें मैंने फोर लाइन फोर डबल क्रोशिया की डाली है और फोर लाइन मैंने इसमें सिक्स डबल क्रोशिया की डाली है। देखिए फोर लाइन फोर डबल क्रोशिया की और फोर लाइन सिक्स डबल क्रोशिया की इस तरह से डाली है। अब मैं ग्रीन से डालूंगी फोर लाइन एट डबल क्रोशिया की। देखिए मैं बनाती हूँ इस तरह से एट डबल क्रोशिया डालकर, ग्रीन कलर की ऊन लगाती हूँ। देखिए मैं इसमें ये ग्रीन कलर लगाती हूँ। ग्रीन कलर लगाने के बाद सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी। ये मैंने थ्री की चेन बना ली है। अब थ्री की चेन बनाने के बाद फिर मैं इसमें एट डबल क्रोशिया डालूंगी। फोर डबल क्रोशिया बुन ली है, फिर मैं थ्री की चेन बनाऊंगी। वन टू थ्री, थ्री की चेन बनाने के बाद फिर मैं इसमें फोर डबल क्रोशिया डालूंगी। टोटल हो जाएंगे ये एट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अगले में भी इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया डालकर, अगले में फिर भी। देखिए मैंने फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और फिर थ्री की चेन और फिर फोर डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये एट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं डबल क्रोशिया और फिर मैं ये सिंगल डबल क्रोशिया बुनूंगी। देखिए इस तरह से ये मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बुन ली है। देखिए अब मैं फोर लाइन एट डबल क्रोशिया ही डालकर बुनूंगी।
देखिए ये मैंने 4 लाइन 8 डबल क्रोशिया की डाल दी हैं। अब मैं देखिए मैंने ये 3 की चेन बना दी है। अब इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया डालूंगी। पांचवी लाइन में 10 डबल क्रोशिया और 4 लाइन में 8 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 4 की चेन लूंगी, 2, 3 और ये 4, और इसमें फिर अगले इसमें ही देखिए इसमें ही फिर मैं 5 डबल क्रोशिया डालूंगी और टोटल हो जाएंगे ये 10 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अगले में भी 10 डबल क्रोशिया, पूरी लाइन में 10 डबल क्रोशिया ही डालने हैं। फाइव डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये 10 डबल क्रोशिया अब डाल दिए हैं, पूरी लाइन में 10 डबल क्रोशिया ही डालने हैं। इसी तरह से ही मैं बनाऊंगी इसको। देखिए अब मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और ये लाइन मैंने अब कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये लास्ट लाइन बनाऊंगी, लास्ट रो। देखिए सबसे पहले मैं ये 3 की चेन बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। फिर 3 की चेन बनाने के बाद इसमें मैं 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए ये इस तरह से आ गए हैं डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया। अब मैं अगले में भी 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं पूरी लाइन इसी तरह से ही बनाऊंगी 12 डबल क्रोशिया डालकर, और ये मैं लास्ट लाइन बना रही हूँ, लास्ट रो। इसी तरह से ये बनानी है। देखिए अब मैंने ये लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है 12 डबल क्रोशिया डालकर। अब ये नीचे से फ्रॉक कंप्लीट होने वाली है। देखिए अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है नीचे से फ्रॉक को।
देखिए ये फ्रॉक नीचे से इस तरह से आई है। देखिए ये फ्रॉक इस तरह से आई है नीचे से। अब मैंने ये पूरा कर लिया है नीचे से। अब मैं नीचे से आगे नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए मैंने बीच में येलो और ऊपर नीचे ग्रीन लगाया है इस तरह से आई है फ्रॉक। ये बनकर बहुत सुंदर लगेगी फ्रॉक। अब मैं इसकी ये स्लीव्स बनाती हूँ। देखिए अब मैं इसकी ये स्लीव्स बनाती हूँ। देखिए मैं ग्रीन कलर लगाती हूँ पहले तो। देखिए सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी। टू और ये थ्री। थ्री की चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए इस तरह से ही ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया की ही बुननी है सिंगल डबल क्रोशिया डालकर। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया बुनकर लाइन कंप्लीट कर ली है। मैं इसको जोड़ती हूँ। ये जो मैंने थ्री की चेन बनाई थी इसमें ही डालकर इसको जोड़ना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब मैं फिर थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी। मैं एक और लाइन ग्रीन से बनाऊंगी। देखिए ये भी इसी तरह से ही बनानी है सिंगल डबल क्रोशिया बुनकर। देखिए इस तरह से ही ये बनानी है। देखिए अब मैंने ये दूसरी लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया डालकर अब मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। देखिए इस तरह से आ गई है स्लीव्स। अब मैं इसमें येलो कलर लगाऊंगी। सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी इसमें। ये मैंने थ्री की चेन बना ली है। थ्री की चेन बनाने के बाद देखिए मैं इसमें वन टू थ्री थ्री का गैप देने के बाद मैं फोर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर मैं थ्री का गैप दूंगी वन टू थ्री और फिर अगले में फोर डबल क्रोशिया डालूंगी थ्री के बाद से। वन टू डबल क्रोशिया फिर टू की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। देखिए फिर थ्री का गैप वन टू थ्री और ये सिंगल डबल क्रोशिया बनूंगी इसमें मैं। देखिए इस तरह से और फिर फोर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ही बुनना है।
पूरी लाइन इसी तरह से ही बनानी है जैसे मैंने ये फ्रॉक में डिजाइन डाला है। देखिए ये जो मैंने फ्रॉक में डिजाइन डाला है वैसी डिजाइन में स्लीव्स में डाल रही हूँ और इसी तरह से ही बनाना है। देखिए अब मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। देखिए ये इस तरह से आई है। अब इसको मैं जोड़ती हूँ। देखिए फिर मैं थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर मैं फोर डबल क्रोशिया डालूंगी। फोर डबल क्रोशिया की जगह फोर डबल क्रोशिया और वन डबल क्रोशिया की जगह वन डबल क्रोशिया। इसमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ानी है। स्लीव्स में फोर डबल क्रोशिया ही बुनना है। देखिए फोर डबल क्रोशिया ही डाल रही हूँ मैं। देखिए ये लाइन भी इसी तरह से ही बनानी है। देखिए फोर डबल क्रोशिया के ऊपर ही फोर डबल क्रोशिया डालने हैं और वन डबल क्रोशिया के ऊपर ही वन डबल क्रोशिया। इसमें स्लीव्स में मैं डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाऊंगी। इसी तरह से ही आगे को बुनूंगी। देखिए स्लीव्स में अब मैंने ये एट लाइन डाल दी है। अब मैं ये फोर लाइन ग्रीन से डालूंगी, ग्रीन कलर की ऊन से। देखिए इस तरह से देखिए सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर अगले में फोर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसी तरह से बुनना है ये। डबल क्रोशिया टोटल हो गई है फोर डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया, टू किचन, फिर टू डबल क्रोशिया, टोटल हो गई है फोर डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बुनना है जिस तरह से मैंने ये बुना है। देखिए मैंने ये फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इसी तरह से मैं ये लाइन बुनूंगी। पूरी लाइन इसी तरह से ही बुनूंगी। थ्री लाइन में फोर डबल क्रोशिया की डालूंगी और फोर्थ लाइन में सिक्स डबल क्रोशिया की डालूंगी। देखिए अब मैंने ये लाइन भी पूरी कर ली है। की लास्ट लाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर इसमें सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। इसमें मैंने फोर डबल क्रोशिया डाले हैं, अब मैं ये सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। वन टू और ये सिक्स। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ही पूरी लाइन बनानी है।
6 डबल क्रोशिया डालकर, देखिए अब मैंने ये लास्ट लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है। देखिए मैं इसको जोड़ती हूँ। स्लीव्स इस तरह से बनकर आई है, ये दूसरी स्लीव्स भी बना ली है। देखिए देखिए अब मैं ये क्रोशिया से यहाँ पर लेस बनाऊंगी। लेस मैं येलो कलर से बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं लेस बनाती हूँ। देखिए अब मैं येलो कलर से इसमें लेस बनाती हूँ। देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं थ्री की चेन बनाऊंगी, 1 2 3, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इसी तरह से इसमें एक और डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से, देखिए फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया डालना है, फिर अगले में 1 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर अगले में मैं 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने 2 के बाद डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। देखिए देखिए ये मैंने शुरू में 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, फिर सिंगल 2 डबल क्रोशिया डाले हैं, फिर एक साथ मैंने 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 1 डबल क्रोशिया अलग अलग, फिर एक साथ 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। मैं बीच में डबल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ और पूरी लाइन इसी तरह से ही बनाऊंगी डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए। देखिए अब मैंने ये लाइन अब कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से आई है ये लाइन। अब मैं दूसरी लाइन बनाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ दूसरी लाइन। देखिए अब मैं दूसरी लाइन बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये 3 की चेन लूंगी। 3 की चेन लेने के बाद फिर मैं ये डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से, फिर 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर डाला है, फिर 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर अगले में 1 डबल क्रोशिया डालनी है। इस तरह से देखिए, फिर 1 चेन और फिर 1 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर डालना है। देखिए इस तरह से डालना है इसको। वन की चेन, वन की चेन। देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन बनानी है। बीच में 2 डबल क्रोशिया का गैप देना है। देखिए अब मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है दूसरी। अब मैं इसमें ये तीसरी लाइन बनाती हूँ, थर्ड लाइन। देखिए सबसे पहले मैं ये 3 की चेन बनाऊंगी। देखिए 3 की चेन बनाने के बाद इसी में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, 4 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर मैं 2 डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में डालूंगी 4 डबल क्रोशिया। देखिए
क्रोशे मैंने इसको छोड़ दिया है, टू डबल क्रोशे। फिर अगले में फोर डबल क्रोशे। देखिए इसी तरह से ही मैं ये पूरी लाइन बनाऊंगी फोर डबल क्रोशिया डालकर। देखिए अब मैंने ये लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है, इस तरह से आ गई है ये लाइन। देखिए देखिए अभी मैं फोर्थ लाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी। देखिए मैंने ये थ्री की चेन बना ली है, अब इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी, सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से ये मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर अगले में भी सिक्स डबल क्रोशिया डालने हैं। पूरी लाइन इसी तरह से ही बनानी है सिक्स डबल क्रोशिया डालकर। देखिए अब मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह से आ गई है। देखिए लेस इस पे फ्रॉक पर, देखिए इस तरह से लेस आ गई है बनकर। बहुत ही सुंदर लेस लग रही है बनने के बाद। देखिए अब मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ, यहाँ से बनाती हूँ मैं बॉर्डर। सबसे पहले मैं थ्री की चेन बनाऊंगी। देखिए मैंने ये थ्री की चेन बना ली है और इसी में ही डबल क्रोशिया बनूंगी, टू डबल क्रोशिया। देखिए मैंने ये टू डबल क्रोशिया बना लिए हैं, बुन लिए हैं। से डालकर फिर मैं बुनूंगी इसमें टू की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। देखिए मैंने टू डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और फिर इस तरह से आपको बढ़ाना है, सिंगल क्रोशिया लेके भी बुनना है। देखिए देखिए इस तरह से ही बनकर आ गया है बॉर्डर, पूरा बॉर्डर इसी तरह से ही बनाया जाएगा, चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। देखिए मैंने लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से आ गई है ये। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आ गया है। अब इसमें मैं बटन लगाऊंगी। देखिए अब मैं इसमें ये बटन लगाती हूँ फ्रॉक में। इस तरह से मैं बटन लगाती हूँ इसमें। इस तरह से ये बटन अब लग गया है। देखिए अब मैंने ये थ्री बटन लगा दिए हैं फ्रॉक में। देखिए अब मैंने ये बटन लगा दिए हैं, इस तरह से आ गए हैं बटन लगकर। तो देखिए अब लेस भी इधर से इस तरह से आ गई है ये। देखिए और आगे से ये इस तरह से आ गई है। अब इसमें मैं डोरी डालूंगी फ्रॉक में। देखिए अब मैं डोरी बनाती हूँ। मैंने देखिए ये टू धागे लिए हैं, इससे मैं डोरी बनाऊंगी। देखिए इस तरह से नोट बांधकर डोरी बनानी है। देखिए इस तरह से ये मैं इस तरह से बना रही हूँ डोरी चेन बनाकर। पूरी डोरी इसी तरह से ही बनानी है। देखिए अब मैंने ये डोरी बना ली है। ये इस तरह से आई है डोरी बनकर।
बनाने के बाद मैं इसमें पॉम पॉम लगाऊंगी। देखिए अब मैं ये पॉम पॉम बनाती हूँ। देखिए ये पॉम पॉम मैंने बना लिया है। ये देखिए इस तरह से आया है। ये देखिए ये मैंने अब दोनों पॉम पॉम बना लिए हैं। अब इसमें फ्रॉक में लगाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं डोरी डालूंगी और डोरी डालने के बाद फिर मैं ये पॉम पॉम लगाऊंगी। देखिए अब मैं इसमें डोरी डालती हूँ। इस तरह से ही डोरी डालनी है। देखिए इस तरह से मैं ये डोरी डालनी है। पूरी डोरी इसी तरह से ही डालनी है। देखिए अब मैंने ये डोरी डाल दी है। अब मैं इसमें ये पॉम पॉम लगाती हूँ। अब ये पॉम पॉम मैंने बांध दिया है। देखिए इस तरह से आया है ये। दूसरा भी मैं इसी तरह से ही बांधूंगी। देखिए मैंने इसको भी बांध दिया है। अब ये दोनों बंध गए हैं पॉम पॉम। देखिए इस तरह से आ गए हैं ये दोनों। देखिए अब ये फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक लग रही है। देखिए अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।